वेलकम बैक टू कपूर्स किचन। आइए आज बनाते हैं साबूदाना वड़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम सामान से ये बन के तैयार हो जाता है। इसे व्रत में बनने वाली हरी चटनी के साथ सर्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधा कप मैंने साबूदाना लिया है। इस तरह से साबूदाना आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसे 3 से 4 घंटे भिगो के रख दिया। तो देखिए ये इस तरह के दाने कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम 2 आलू मीडियम साइज़ के लेंगे बॉईल किए हुए और उसे कद्दूकस करेंगे। इसे हम मैश भी कर सकते हैं हाथ से, लेकिन कद्दूकस किए हुए आलू लेने से बाइंडिंग अच्छे से हो जाती है और कहीं वड़ा आपका फटेगा भी नहीं। अब आलू कद्दूकस हो जाने के बाद इसमें हम 1/2 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि व्रत के लिए है इसलिए, नहीं तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। और 1 कटी हुई हरी मिर्च डाली है और 1/4 चम्मच हमने काली मिर्च डाली है और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें ज़्यादा कोई खास इंग्रेडिएंट्स डलते नहीं हैं। और अब आलू के साथ में हम इसे अच्छे से गूंथेंगे तो ये बिल्कुल दाने जो सॉफ्ट हो रखे हैं वो एक डो की तरह बन जाएंगे, वो भी अच्छे से मैश हो जाएंगे दाने सारे जो साबूदाने के हैं और एक डो बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल मिक्स कर दिया मैंने और किस तरह से अच्छे से आलू और साबूदाना बिल्कुल मिक्स हो गया। ये देखिए एक डो रेडी हो गया है। अब हम इसे एक तरफ रखेंगे और वहाँ पे कढ़ाई पे हम रिफाइंड डाल के गैस चालू कर देंगे और हाथों को हल्का सा ग्रीस करके इसे हम नींबू के साइज़ की बॉल्स लेके अच्छे से दबाते हुए हम इनको गोल गोल बनाएंगे। एक साथ हम सारे ही बना के रख लेंगे। इतने बैटर से हमारे 5 से 6 वड़े बन के रेडी हो जाएंगे। अगर आप बड़े बड़े बनाएंगे तो वो 3 से 4 बन जाएंगे, लेकिन ये मैंने छोटे छोटे वड़े बनाए हैं तो ये मेरे 6 वड़े बन के रेडी हुए हैं। तो इसको बनाने के बाद में इसको दोनों हथेलियों में प्रेस करके टिक्की की शेप दी और सेंटर में से होल कर दिया, जैसे वड़े में होल होता है उस तरह से उंगली से होल हो जाएगा। ये देखिए एक एक करके मैंने सारे वड़े रेडी कर लिए हैं। अब तक तेल भी गर्म हो चुका है। चलिए अब वड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें मैंने वड़ों को धीरे धीरे करके डाल दिया है। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे डीप फ्राई किया है और ये बनने के बाद में बहुत क्रिस्पी बनते हैं बाहर से और अंदर से थोड़े सॉफ्ट होते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में और एक बहुत अच्छा नाश्ता बन जाता है व्रत का। अब जब ऊपर तैरने लगी टिक्की तो मैंने इसको पलटा है। जब तक इसे पलटना नहीं है। अभी धीरे धीरे क्रिस्पी होने लग गए हैं। ये देखिए गोल्डन कलर आने स्टार्ट हो गया है इसके ऊपर। देखिए अब ये तैरने लगी ऊपर, इसका मतलब ही बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और तेल में बबल्स भी ख़त्म हो गए हैं। ये देखिए मेरे बड़े बन के रेडी हो गए हैं और इसकी आवाज़ सुनिए। इसकी आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए अब इसे हरी चटनी के साथ में सर्व करें और अपना व्रत एंजॉय करें। थैंक यू।